हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं धर्मजीत कुमार और आप देख रहे हैं स्केचुअल स्टूडियो, जो कि मेरा न्यू चैनल है। क्योंकि पुराने वाले चैनल पे वीडियो इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि वो मेरा चैनल तो मोनेटाइज होगा नहीं, इसलिए उस पे वीडियो नहीं डालूंगा। तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम वीडियो की ओर बढ़ते हैं। तो आज मैं आप सभी को देने वाला हूँ स्केचुअल पे फ्री स्केचुअल प्रोजेक्ट चैटिंग ऐप का है, फुल UI है, बहुत ही बेस्ट जबरदस्त UI है। तो चलिए हम सबसे पहले इसको कैसे डाउनलोड करना है, कहाँ से डाउनलोड करना है मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हमें डाउनलोड करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइएगा चैनल और ग्रुप में। तो चलिए सबसे पहले हम जाते हैं चैनल में। तो नेट अपना ओपन कर लिया, वाईफाई हमने जो है ऑन कर लिया और यहाँ से जो है बातें HTML फाइल को हम लोग डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड करने के बाद जो है यहाँ से हम 3 डॉट पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर सेव टू डाउनलोड फोल्डर में कर देते हैं। सेव टू डाउनलोड फोल्डर में करने के बाद जो है आपको आपके पास जो है यहाँ पे रहना चाहिए फाइल मैनेजर में। हम जाते हैं फाइल मैनेजर में, जाने के बाद जो है यहाँ से हम अपने डाउनलोड फोल्डर में जाते हैं जहाँ से हम लोगों ने जो है डाउनलोड किया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बास्ते HTML फाइल जो है लॉक है। चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं। डॉक्यूमेंट पे क्लिक करने के बाद जो है अगर आपके पास जो है EX फाइल पे एक्सप्लोरर नहीं है तो आप क्रोम ब्राउज़र से डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि पासवर्ड जो है इसी में से इनक्रिप्ट होगा। तो चलिए हम इस पासवर्ड को देते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि पासवर्ड क्या है। चलिए हम ओपन पर क्लिक करते हैं। ओपन पर क्लिक करने के बाद जो है मैं आपको पासवर्ड बता दूँ कि पासवर्ड यहाँ पर है DHARMZ3 इसको हमको ओके कर लेना है। यहाँ पे जो है हमारा जो फाइल है जो अनलॉक हो चुका है। अनलॉक होने के बाद जो है यहाँ पे अनलॉक होने के बाद जो है हम यहाँ पे स्केचुअल स्टूडियो को करते हैं ओपन। तो हम अपने नेट को ऑफ कर लेते हैं। आप स्केचुअल प्रो या स्टूडियो में कहीं पर भी रिस्टोर कर सकते हैं। तो चलिए हम इसे रिस्टोर करते हैं। रिस्टोर पे क्लिक करते हैं। रिस्टोर पे क्लिक करने के बाद जो है हम डाउनलोड फोल्डर में जाते हैं, क्योंकि हम लोगों ने डाउनलोड फोल्डर से ही डाउनलोड किया है। तो चलिए हम डाउनलोड फोल्डर में जाते हैं और यहाँ पे जो है बातें HTML फाइल आपको दिख रहा है, यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद जो है रिस्टोर हो चुका है। फिर रिस्टोर होने के बाद इसे कैंसिल करते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं जो है हमारा बातें जो प्रोजेक्ट है चैटिंग ऐप का वो आ चुका है। तो चलिए हम इसे ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे आपको यहाँ पे अपने हिसाब से आप कर सकते हैं, इमेजेज वगैरह आप चेंज कर सकते हैं या आप कमर। तो चलिए हम इसे एक बार रन करते हैं। और एक बात बता दूँ कि मैंने यहाँ पे जो है कस्टम डायलॉग्स को ऐड किया है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जो है एक कस्टम एग्जिट कस्टम एडिट डायलॉग जो है शो होगा। और यहाँ पे मैं क्लिक करने के बाद जो है टेस्ट के लिए मैं लगा रहा हूँ। यहाँ पे मोड प्लग पे जाते हैं। मोड प्लग पे जाने के बाद जो है स्क्रीन डबलेंस वाला जो है डायलॉग को यहाँ पे लगाते हैं। लगाने के बाद जो है और यहाँ पे आ जाइए वेरिफिकेशन वाले पे, OTP वेरिफिकेशन वाले पे, वेरीफाई पे नहीं। हम यहाँ पे इमेज पे क्लिक करने के बाद जो हमारा कस्टम डायलॉग शो होते, चलिए कस्टम डायलॉग को यहाँ पे करते हैं। करने के बाद जो है अब इसे हम रन करते हैं। जितना भी प्रोजेक्ट में मैं आप सभी को दिखाने वाला हूँ, तो चलिए हम रन कर लेते हैं। तो हमारा रन होता है, उसके बाद में जो है फिर से वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो हमारा इंस्टॉल करने का टाइम जो है आ चुका है, तो एपिक वेल्डिंग हो रहा है तो होने दीजिए, उसके बाद जो है हम इसे इंस्टॉल करेंगे। तो चलिए हम इसे इंस्टॉल करते हैं और देख लेते हैं हमारे पास जो है क्या क्या इस प्रोजेक्ट में है। इंस्टॉल होने देते हैं। तो चलिए हम इसे ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद जो है यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह का क्लास स्क्रीन है और यहाँ पे जो है चेकबॉक्स है और यहाँ पे एग्री एंड कंटिन्यू है। तो चलिए हम एग्री एंड कंटिन्यू क्लिक करते हैं
और हमारा जो है कस्टम डायलॉग देख सकते हैं। तो कस्टम डायलॉग यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि यहाँ पे सेंड होने के बाद जो यहाँ पे आप लगा सकते हैं। और यहाँ पर एक और है कि जो अगर आपके पास जो है इसमें अगर आपने मोबाइल नंबर नहीं डाल रखा होगा तो ये शो होगा। उसके बाद चलिए हम यहाँ पे सेंड पे क्लिक करते हैं। सेंड पे क्लिक करने के बाद ये आप देख सकते हैं, अगर आप यहाँ पे लगा सकते हैं इसे। यहाँ पे एक जो है सब प्रोग्रेस बार है जिसका कलर जो है सेम यही हो गया है, तो आप इसे चेंज कर लीजिएगा। चलिए हम फिर से करते हैं क्योंकि हम लोगों ने क्रू किया था। और यहाँ से जो है वेरीफाई पे क्लिक करते हैं, जो कि सिर्फ ओनली वाई है। यहाँ पे देख सकते हैं ये वाई, और यहाँ पे जो है मेन स्क्रीन जो है होम स्क्रीन वाला यहाँ पे वाई देख सकते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, ताकि और भी नेक्स्ट बेस्ट प्रोजेक्ट आता रहेगा। धन्यवाद।